हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। डांसर, अभिनेता, निर्देशक प्रभु देवा बचपन में अपने भविष्य को लेकर कुछ तय नहीं कर पाए थे। स्कूल के दौरान वे नेवी में जाना चाहते थे, फिर वे ट्रैफिक कांस्टेबल बनना चाहते थे और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जब प्रभु देवा 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब उन्हें अपने पिता डांस डायरेक्टर सुंदरम को असिस्ट करने का मौका मिला। यही वह पल था जिसने प्रभु देवा की जिंदगी को नई करवट दी। इसके बाद वह अपने पिता और निर्देशकों के कहने पर खुद कोरियोग्राफी करने की तरफ मुड़े। प्रभु देवा कहते हैं, 10-11वीं क्लास में पढ़ाई के दौरान ही माइकल जैक्सन का थ्रिलर वीडियो देखा और उसको देखकर हैरान रह गया, फिर जैक्सन के डांस मूव्स को रिहर्स करने लगा। प्रभु देवा यह भी कहते हैं कि उन्हें आज तक नहीं पता कि वे जो डांस करते हैं वे सही है या नहीं, हालांकि उन्होंने भरतनाट्यम बाकायदा सीखा है। 2 साल पहले एक गाने की शूटिंग के वक्त प्रभु देवा की पीठ में अचानक दर्द उठा और इससे पहले वे कुछ समझ पाते वे जमीन पर गिर पड़े। यह टेम्परेरी पैरालिसिस अटैक था। उसके बाद प्रभु देवा ने कहा था, अब मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। किसी भी आर्टिस्ट को किसी सीन के लिए जरूरत से ज्यादा जान नहीं लगाना चाहिए, सेहत से ज्यादा कुछ नहीं। मैं इस घटना के समय यह सोचकर दहशत में था कि बिना मूवमेंट के जिंदगी कैसी होती। माइकल जैक्सन के अलावा पुराने समय की अभिनेत्रियां पद्मिनी और वैजयंती माला और अभिनेता चिरंजीवी प्रभु देवा के पसंदीदा डांसरों में हैं। बतौर एक्टर प्रभु देवा रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और चिरंजीवी के फैन हैं। शंकर, भीम सिंह और के बालचंदर उनके पसंदीदा डायरेक्टर हैं। प्रभु देवा ने हाल में बॉलीवुड के 2 सुपरस्टारों अमिताभ बच्चन और आमिर खान को आगामी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कोरियोग्राफ किया है। इस बारे उनका कहना है कि यह उनके लिए यादगार अनुभव रहा। दोनों ही अपने काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्रभु देवा अपनी शादी में तनाव को लेकर भी सुर्खियों में रह चुके हैं। शादी के बाद वह दक्षिण की अभिनेत्री नयनतारा के साथ लिव इन रिलेशन में थे। उनकी पत्नी लता ने फैमिली कोर्ट की शरण ली और फिर भूख हड़ताल की धमकी भी थी। इस खबर पर हुए हंगामे के दौरान नयनतारा के पुतले फूंके गए थे। फिर नयनतारा ने प्रभु देवा से अपने रिश्ते के खात्मे का ऐलान कर दिया था।